हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गैन मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रोक्सी गैन यूट्यूब चैनल पे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन बॉडी के बारे में आज हम समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनाए गए हैं प्रीवियस आर एग्ज़ाम्स में उसके बारे में हम बताएँगे उसके बाद हम धीरे धीरे सर्कुलेटरी सिस्टम सारा कुछ मैं पढ़ाऊँगा तो जनरली हमारे जो वीडियोज़ हैं वो कंपाइलेशन के तौर पर आते थे दोस्तों आपने देखा होगा प्रीवियसली बट इस बार हमने सोचा है कि कई सारे बच्चे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अपने क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या फिर कोई टॉपिक में कमज़ोर होते हैं तो उस टॉपिक पर डायरेक्ट जाके वो पढ़ सकते हैं दोस्तों कंपाइलेशन वीडियोज़ में उनको सर्च करना पड़ता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है तो इनफैक्ट मैं ये वीडियो भी जो है कंपाइल करके अपलोड कर दूंगा जब ये सारे सब टॉपिक्स हो जाएंगे जो भी पढ़ना चाहते हैं वन शॉट में उनके लिए भी हम रखेंगे और जो टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्प होंगे दोस्तों तो ह्यूमन बॉडी का पहला जो पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछे गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे आर आर बी जेई में टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए है. तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सेक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया ट्रिप्सिन द पैक्रियाज इज अ सेकंड मेजर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पहला है ट्रिप्सिन इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स एंड पेप्टॉन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स

Protein digestion occurs with the aid of protease enzymes and pepsin enzymes that break down proteins into amino acids. Amino acids are responsible for breaking down of food and they are known as building blocks of life. There are 20 amino acids obtained after digestion of proteins. What can humans not digest? Option is cellulose. The digestive system of humans has many enzymes and acids to break down and digest all kinds of different foods. Uh, carbohydrates, ho gaya, proteins, ho gaya, fats ho gaya, but do not have the enzymes need to break down the cellulose tosto. Cellulose complex carbohydrates or polysaccharide consisting of 3000 or more glucose units It forms the cell walls of all plants and trees and is used in making plastic paper etc Animals like cow, goat, sheep and other animals that graze have enzymes needed to digest cellulose so humans are unable to digest नेक्स्ट लैक्टोस इन टॉलरेंस की बात करें तो ऑप्शन डी ए कंडीशन इन विच स्मॉल इंटस्ट आर अनेबल टू ब्रेक डाउन द शुगर फाउंड इन द डायरी विच ऑफ द फॉलोइंग अ लार्जेस्ट साइज इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज ऑप्शन बी लिवर दोस्तों ओके द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इट वेज बिटवीन वन पॉइंट फाइव टू टू के जी इट इज सिचुएटेड इन अपनॉर्मल कैविटी जस्ट बिलो द डयाफ्रम एंड हैज ए फोर लोब्स दोस्तों द बाइल जूस सेक्रेटेड बाय द लिवर इज स्टोर्ड इन ए गार्ल ब्लैडर The bile catalyzes the action of enzymes present in the intestine and protects body by the neutralizing toxin produced in the body. Okay. Next, which among the following is the largest gland in the human body? Option C yoga liver. And what is the largest internal organ of human body? That is option A, silver. And uh, sight of delicious food usually makes mouth watery. It is option B, neurological reaction. Those two. Sight of delicious food usually makes mouth watery. It is a neurological reaction. Mouth watering at the sight of tasty food is called salivation. Salivation is a nerve mediated reflex on the sight of food. How much saliva produced in mouth is depends upon the intensity and type of taste and also a tactile simulation. Okay. Moreover, a reflex action is defined as involuntary response shown by the body in response to sudden stimuli. A protruding part of the throat that is responsible for growing voice box in boys is called option D. Adam's apple, dosto. दैट इज रिस्पॉन्सि ग्रोइंगज कॉल्ड एडम्स एपिल आपने देखा होगा कई सारे लोगों को जो गला होता है वहां पर छोटा सा एपिल की तरह एक बोन दिखाई देता है ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज कैन बी सीन एज ए प्रोट्रोटिंग पार्ट ऑफ थ्रोड इसे हम क्या कहते हैं एडम ऐपिल कहा जाता है दोस्तों द थारॉइड कैटिलेज इज द एडम्स एपिल the epiglottic act like a trap door to keep food and other particles from entering the larynx next the secretion of the bile in human occurs in option d liver two okay. so bile secreted by hepatic cell of liver passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in thin muscular sac called gall bladder bile is made up of essential acids for digestion absorption and breaking down of fats bile secretion in stomach is caused to ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डस डर स्टमक प्रोड्यूस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन तो ऑप्शन सी होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक्स डाउन द फूड एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्प्लिट्स ऑफ द प्रोटीन दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो HCl रखा जाता है विच एक्टिवेट द पेप्सिनोजन ओके

the rabbit has a comparatively long intestine among given animals herbivorous animals have small intestine larger than that of carnivorous animal because herbivorous digest cellulose completely and cellulose digestion takes longer time to stop next bath tooth decay start when ph of mouth is lower than option b 5.5 when ph of mouth falls below 5.5 tooth decay starts bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles which remain in the mouth after eating द एसिड प्रोड्यूज इन द माउथ अटैक द एनामल देयर बाय क्रिएटिंग टूथ डिके दोस्तों ठीक है कई लोगों को टूथ कैविटी जो कैविटी का प्रॉब्लम होता है टूथ डिके का इसी तरह से होता है वॉट आर द रेसिप्ट फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड ऑप्शन डी गुस्टेटरी रेसिप्ट रेसिप्टॉर डिटेक्टिंग टेस्ट और कॉल्डेटरी रेसिप्ट टेस्ट बर्ड्स कंटेन द टेस्ट रिसिप्ट सेल्सर सेल्स अमोंग द फॉलिंग डैश जनरेट मैग्जिम अमाउंट फॉर एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया फैट ओके सो फैट इज अ मेन फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी फैट्स आर द स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट द मोस्ट एनर्जी एफिशियंट फॉर्म ऑफ फूड फैट्स आर अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कंपोज ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिजोरॉल ईच ग्राम ऑफ फैट सप्लाइज द बॉडी विथ नाइन अबाउट नाइन पॉइंट थ्री ग्राम ऑफ एनर्जी आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड अल्ट शुड अटेंड ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट एनर्जी फ्रॉम फैट दो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट टेक्स प्लेस इन ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन

ज द स्टमक रिसीव दिक्रिए पैनक द सेल ऑफ लीवर सिक्रेट बॉल जूस विच इज कलेक्टेड इन दार्ल ब्लाडर आईलेट ऑफ लैंगर हैंड्स हेल्प इन दिक्रिएशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंसुलिन किस जरिए से सीक्रेट होता है आईलेट ऑफ लैंगर कहा जाता है दोस्तों सो विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस लिटिल प्रोड्यूस बाइल जूस की बात करें ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल जूस की बात करें तो ऑप्शन ए लीवर हो गया दोस्तों लिवर प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल द गर्ल ब्लाडर स्टोर्स बाइल वन ए पर्सन ईट मीन्स द गर्ल ब्लाडर स्क्वीज़ बाइल थ्रू द बाइल डक्ट विच कनेक्ट द गर्ल ब्लाडर एंड लीवर टू द स्मॉल इंटस्टाइन द प्रेजेंस ऑफ द कॉलीफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज ए सिम्टम ऑफ क्या होता है दोस्तों द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हो गया द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म इन द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज अ सिम्टम ऑफ कंटेमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट ओके जो टॉयलेट वगैरह you know, जो फीसिस वगैरह सब लोग जो है बाहर जाके कर देते हैं तो वह कंटामिनेट हो जाता है पानी एंड इट इस स्पेसिफिकली डिटर्मा बाई द प्रेजेंस ऑफ ई कोली वैन पोलिटेड वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग इट कैन कॉज वाटर बोन डिसीज जैसे कलरा डायरिया टाइफॉइड जॉन्डिस ये सारा कुछ हो जाता है मेटाबॉलिज्म इज़ रिलेटेड टू दैट इज़ ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बॉडी सिंथसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्राम सिम्पल मॉलिक्यल्स और तीसरा जो है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबोलिज्म तो तीन है दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेटाबालिज्म इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन द टक्कर इन लिविंग ऑर्गेजम्स दिस प्रोसेसिस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस मेंटेन देयर होमियोस्टास एंड रेस्पॉन्ड टू देर एनवॉरमेंट चेंजेस इट इन्वॉल्व द सिंथसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिकल्स फ्राम सिंपल मालिकूल्स मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शन दट इन्वॉल्व इन केटाबॉलिज्म एंड एनाबोलिज्म दोस्तों दोनों में भी जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म किया कहते हैं दिस रिएन गवर्निंग द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑपटेन एनर्जी इज कॉल्ड कैटाबोलिक रिएक्शन जब एनाबोलिक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है ज्वाइन होकर लार्जर वन में बदलते हैं दोस्तों ठीक है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अ बाइल जूस प्रोड्यूस ऑप्शन डी हो गया लिवर अभी मैंने आपको बताया विद सब्स स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द गाल ब्लाडर की बात करें तो बाइल हो गया द इंट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम इज कॉल्ड ऑप्शन सी इंडोस्कोप इंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामिन द इंटरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी

And non-ionizing radiation to weave the internal form of an object. So, next question: Which of the following is not a part of elementary canal of the human body? So, option C is trachea. Trachea to upper So, elementary canal is mainly referred to as pathway by which food enters our body and moves out through anus after digestion. Okay. This is elementary canal. The elementary tract of digestive system is composed of mouth, pharynx, esophagus, stomach, small and large intestine, rectum, anus the trachea commonly known as windpipe is a part of airway system that connects the larynx to bronchi of the lungs okay? which of the following is not a part of digestive system option b heart obviously here so which of the following is uh, has homodent teeth option a fish in mammals teeth are teeth the codent and heterodent while fishes have acrodent and homodent teeth duodenum is a part of option A, small intestine duodenum is a u shaped or a horseshoe shaped structure that lies in the upper abdomen near the midline the small intestine is made up of duodenum jejunum and ileum duodenum is about 25 cm that is 10 inches long jejunum is about 2.5 meters that is 8 feet long or ileum is about 3.6 meters which is 12 feet long the small intestine is the largest part of elementary canal or complete digestion takes place in this section of elementary canal इट इज़ अबाउट सिक्स पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग और टू पॉइंट फाइव मीटर्स वाइड होता है अडल्ट मैन में विच ऑफ द फॉलिंग ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम हैज़ अ सिमिलर शेप टू द इंग्लिश आल्फाबेट जे की बात करें ऑप्शन बी स्टमक स्टमक इज अ जे शिफ्ट ऑर्गन इन द अपर बिल्ली इट इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टो सिस्टम इट इज़ बिटवीन द एंड ऑफ द फुड पाइप एंड द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल ठीक है स्टमक क्या होता है जे शेप में होता है आपने बा, कई बार देखा होगा इनफैक्ट आपने इनो वगैरह के ऐड देखे होंगे तो वहाँ पे अक्सर इस स्टमक का पूरा इंटस्टाइन का स्ट्रक्चर ये लोग ऐड में दिखाते हैं द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ दिस और कॉल्ड ये क्या है आपको पूछा जा रहा है ऑप्शन सी सो विली कहा जाता है जैसे विली है ना यस ऑप्शन सी विली सो विली का मतलब क्या है एक टाइनी प्रोजेक्शन होता है ऑन द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटस्टाइन विच हेल्प्स इन ऑब्जॉर्विंग द डाइजेस्टेड फूड This villi helps to increase the surface area of intestinal walls. Okay. Many blood vessels are present within this villi that helps in absorption of digested food and carry out to bloodstream. Later from the bloodstream, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body. Okay. So, where in the body is villi found? Option A small intestine. Next, the gastric juice present in the digestive system includes option A HCl. The gastric glands are located in the mucosa of the stomach. There are mainly three types of this cell in gastric glands, like mucus, neck.

वॉट इज टूथ एनामल मेडअप ऑफ ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट टूथ एनामल इज मेडअप ऑफ कैल्शियम फॉसफेट ऑल है पल्प हो गया दोस्तों द एनाज आउटरमोस्ट लेयर एंड प्राइमरली मेडअप ऑफ कैल्शियम फॉसफेट मिनरल्स एनामल इज अ हार्डेस्ट सब्सेंस इन ह्यूमन बॉडी बट इट डज नॉट ग्रो बैक वंस इट लॉस्ट ठीक है एक बार चला गया तो फिर ग्रो नहीं होगा वॉट इज अ टूथ एनामल मेडअप ऑफ ऑप्शन भी हो दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट अवर एनामल इज मेडअप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट सो विच एसिड इज यूज टू एड डाइजेशन इन द बॉडी की बात करें तो ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले ही मैंने बता चुका हूं एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट स्टमक इन होफ्ड एनिमल्स की बात करें तो ऑप्शन ए रूमेन हो गया दोस्तों रूमेन इज द लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल सैक इन होफ्ड एनिमल्स नेम एन एनजाइम यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ द प्रोटीन इन टू पेप्टाइट की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया पेप्सिन इसे कहा जाता है डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस एनफ ऑफ फॉर डाइजेशन प्रोसेस then in this case pepsin enzyme helps in the process of digestion it is a type of enzyme released by the main cell in the stomach its main function is to convert protein into peptide next what protects the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition to option e again okay? mucus mucus protects the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition the digestion in the stomach is taken care by the gastric glands present at wall in the wall of stomach they release the hydrochloric acid a protein

The only part of the human body that can be redeveloped and regenerated is option C liver. The only part of the human body that can redevelop and regenerate is liver. The liver is the largest gland in the body, weighing 1 to 2 kg, and bile is secreted by the liver. Okay. So human body, what is called a throat? Option C voice box. Throat is known as a voice box in the human body. The throat is like uh, ring like muscular that acts uh, tube that acts as passageway for air, food, and liquid. It is located behind the nose, mouth, and connects the mouth and nose to breathing passages. On average, how many taste buds are present in human tongue? Option A: 2,000 to 8,000 buds will be present. Tongue is an essential part of the body of most animals. The taste buds are embedded in the epithelium of the tongue and make contact with outside environment through a taste pore. On average, the human tongue has 2,000 to 8,000 taste buds. Those two. Okay. Next. The entire digestive system of uh, adult human is dash meter long from mouth to anus ki baat kere to option D ho gai, 9. Okay. The complete digestive system of an adult human is 9 meters long from mouth to anus. Next, which receptors are located on our tongue ki baat kere to option C si? Gustatory. Gustatory receptors are present on the tongue which spread evenly across the taste buds. Their main function is to provide a sense of taste. Dosto. It is significant that olfactory receptors are present on the surface of olfactory neurons.

next by which process does food enter in the esophagus option a ingestion the process of digestion of food in the human begins in dash and is completed in dash digestion of the food shuru hota hai mouth khatam or hai small intestine digestion begins in the mouth with chewing and ends in the small intestine as the food passes through gastrointestinal tract it mixes with the digestive juices causing large molecules of food to break down into smaller molecules इन रेफरेंस टू फूड विच अमॉन्ग द फॉइंग स्टेटमेंट इस फॉल्स की बात करें तो ऑप्शन है इट इज ए बायोटिक सब्सटेंस ये फॉल्स है फूड इज एटिक सब्सटेंस दस स्टमेंट इज फॉल्स बिकॉज फूड परफॉर्म्स केमिकल रिएक्शंस दोस्तों इट इज बायोलॉजिकल सब्सटेंस एंड प्रोवाइडज एनर्जी ठीक है फूड इज बेनिफिशियल सब्सटेंस फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपैंशन मूवमेंट्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड डैश मोशन ऑप्शन है पेरिस्टलासिस मोशन The contraction and expansion movements of the walls of the food pipe is called peristalsis motion. The teeth cut and crush food and the pieces are mixed with saliva to form a ball of food called bolus. This is then swallowed and is carried out by esophagus by peristalsis. In the human body, the digestion of fats mainly occur in option C small intestine. The majority of the fat, uh, fat jo hota hai na, digest is digested, जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है दिस इज ऑल्सो विद द मेजारिटी ऑफ न्यूट्रिय आर ऑब्जर्व पैनक्रियास प्रोड्यूस इन्जाइम्स दट ब्रेक डाउन द फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन और बाइल जूस जो है लीवर सेक्रिएट करता है अब तक हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं ये आपको फैट और कुछ विटामिन गलाने में मदद करता है ठीक है सो नेक्स्ट है हमारा सो विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल दैट इज़ ऑप्शन बी एलवालाई एलवोलाई तो लंग्स के पास होता है ना फॉर इन द लंग्स एंड पार्ट ऑफ रेस्परेटरी सिस्टम ये जो कोविड नाइन्टीन आया था तो ये इसी को ही अटैक कर रहा था एलवेले को ही अटैक कर रहा था इसीलिए आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और लोग इसी तरह um, कई लोग जो है जा चुके दुनिया से सलाइवा कंटेंस डैश एनजाइम ऑप्शन सी एम एल ह्यूमन सलाइवा कंटेंट्स अबाउट नाइन्टी नाइन परसेंट वाटर एंड द रिमाइनिंग वन परसेंट एनजाइम्स मे ऑफ टू टाइम्स टाइयोलिन एंड लाइसोजोम टाइयोलिन इज ऑल्सो नोन एज एम एल एंड द डीकम्पोज स्टार्च इन टू शुगर An enzyme called lysozyme works by destroying harmful bacteria present in food. Enzyme thylene is found in option A saliva. Dosto. After digestion, carbohydrate is converted into option B glucose. Digestion of the food in a human starts from the mouth, mouth cavity, elementary canal, esophagus, stomach etc. take part in the digestion. Intestinal juice contain a variety of enzymes that convert complex carbohydrates into glucose, protein into amino acid, fats into fatty acids. The function of bile dash can be called option A.

एंड ट्रिप्सोजन एन्जीम आर एक्टिवेटेड बाई द एंटीरोनास विच इज सेक्रेटेड बाई इंटस्टिनल मिकोसा एंड कन्वर्ट्स ट्रिप्सोन एजन इंटू एक्टिव ट्रिप्सिन ठीक है एंड ट्रिप्सिन एक्टिवेट्स ऑल द एनजा प्रेजेंट इन द पैंक्रेटिक तो मतलब क्या है ये जो ट्रिप्सिन आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कई कई तरह के एनजाइम्स को हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट करता है इसके जरिए से जो है पैंक्रियाटिक जूस निकलता है दोस्तों ठीक है तो वो जो जूस है हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है फैट है ओके okay, उसको गलाने में मदद करता है और जितने भी प्रोटीन्स हैं उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने की मदद करता है ठीक है इतना बस याद कर लीजिए ये सारा कुछ कन्फ्यूज कन्फ्यूज़ कर दिया इसने सिंपल में मैं आपको समझा दिया चलिए ड्यूरिंग डाइजेशन द रोल ऑफ द बाइल इज ऑप्शन बी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ड्यूरिंग डाइजेशन द रोल ऑफ द बाइल इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड विच एसिड इज एक्स इन द डायजेस्ट सिस्टम ऑफ फीमेल ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत बार हमने पढ़ चुके हैं बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्सक्रिएटेट इन द डायेस्ट सिस्टम ऑफ फीमेल्स Oxantic cell of the stomach secrete HCL, which inhibits the action of the tylene and makes food acidic. It kills the harmful bacteria of the food and stimulate enzymes to act on food. Dash rings are present in the throat option cartilage. Cartilage is a flexible connective tissue found in the human body and other animals. It is made up of chondrocyte cells present in our marrow. Ear bone, nose bone, throat bone, joints of bone, this is cartilage.

लॉन्गर स्मॉलर इंटरस्टाइन टू डायजेस्ट ऑप्शन भी हो गया दोस्तों सेलुलोसो हरबीवर नीड्स लॉन्गर स्मॉल इंटस्टाइन कॉल सी कम टू डायजेस्ट सेलुलोस सेलुलोस इज एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड इन विच मोनोमोर्स कंबाइंड टू फार्म ए पॉलीमर ऑफ थाउजेंड मॉलिक्यूल्स द सेल वॉल ऑफ मेनी ग्रीन प्लाट्स आर मेड अप ऑफ सेलोज एंड नाइनटी परसेंट पोर्शन ऑफ द कॉटन फाइबर इज सेलोस दोस्तों द कॉमन ट्रैक फॉर फूड एंड एयर इन ह्यूमनसिस ऑप्शन भी हो गया ऑप्शन डी दैट इज फेरेनिक्स द फेरेनिक्स इज अमन ट्रैक फॉर बोथ फूड एंड एयर

Okay. the herbivore requires longer small intestine to digest option b cellulose the small intestine is an important part of human digestive system that start from stomach and complete at large intestine okay so digestion and absorption of the food takes place in small intestine cellulose is a component of plant that is non-digestible component for human body cellulose is an insoluble fiber that needs longer small intestine for digestion in herbivores. Next, what is the unit of the measurement used for measuring the energy requirement of the human body? So, option A calories. A calorie is a unit of measurement of energy, very specifically. It is the amount of energy that is required to raise the temperature of 1 ml, which is also 1 gram of water by 1 degree Celsius. The word calorie was actually coined by great French chemist Nicolas Clement, who used to refer to body's internal heat. A food calorie is actually a kilocalorie. In other words, it is amount of energy needed to raise the temperature of 1 liter of water by 1 degree. Dostu. Originally, the calorie content of food was measured in calorie meter. Next, which is the only muscle found in the human body that is not connected at both ends. Option B is tongue. Dostu. Tongue is the only muscle found in the human body that is not connected at both ends. is connected to the The energy released at the end of digestion is in the form of दैट इज ऑप्शन डी हो गया केमिकल एनर्जी आवर बॉडी नॉट यूज द के बायो केमिकल्स अवेलेबल इन फूड इन दर ओरिजिनल फॉर्म देर फॉर द कॉम्प्लेक्स बायो मालिक्यूल्स को क्या होता है तोड़ा जाता है इंटू स्मॉल मालिकूल्स एंड कन्वर्टेड इंटू सिंपल मालिक्यूल्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स न्यूट्रियस और ऑब्जॉर्व दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिय इंटू ऑब्जॉर्बल सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन ओके वॉट इज डाइजेशन कोई भी प्रोसेस हो जो कॉम्प्लेक्स को तोड़ के एक अब्जॉर्बल न्यूट्रिएंट्स या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन है। ए रिजल्ट ऑफ द डाइजेशन एनर्जी इज कलेक्ट द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जीज ए सो दिस इज अबाउट द डायजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है ओके okay, ये सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों